चलेगा। तो इसमें जो हमें कराना है बेटा 10.5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए पहले ध्यान से, इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हुई है, इसमें डार्जन वाली कंडीशन फॉलो हुई है। रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है डार्जन रिएक्शन। वो डार्जन रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप होता है SOCl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद हैलोजन ग्रुप बना जाता है, इसको कहते हैं Cl ग्रुप। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमने इन दोनों कंपोनेंट को कंबाइंड करके रिएक्ट कराया तो नाम क्या होता है, पहले इनका नाम देख लो IUPAC में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया ठीक। साइक्लिक कंपोनेंट है हमारे पास तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लो, सिक्स कार्बनों का नेम क्या होगा हेक्स, सिंगल बॉन्डों का नेम क्या होगा बेटा एन, OH बन पर आगे तो नाम क्या होगा और, तो क्या बन गया साइक्लो हेक्सेन और बन गया इसका नाम ओके। अब जैसे हमने इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई तो क्या कंडीशन होती है, रिएक्ट करता है तो आपको जो OH ग्रुप दिख रहा है इसको आप इस तरह ओपन कर सकते हो नो प्रॉब्लम, SO यहाँ से और एक यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा SO2, एनर्जी आपने दिया हीट आपने किया तो क्या रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव हो जाएगा SO2 गैस के फॉर्म में क्लियर, SO एंड O क्या होगा SO2 रिमूव हो गया। इसके बाद यहाँ से तो एक H है और यहाँ से एक Cl2, Cl में तो 1 Cl एंड 1 H, H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा HCl रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखो एक Cl यहाँ बचा हुआ, जो एक Cl बचा हुआ वो कहाँ अटैच हो जाएगा यहाँ के जहाँ से OH क्या हुआ रिमूव हुआ है, तो क्या बन जाएगा ध्यान से साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे कैसे रह गए। अब यहाँ पे इस बॉन्ड से क्या अटैच हो जाएगा बेटा Cl आके ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 पे Cl आएगा तो 1 पे क्लोरो, 1 पे कोई ग्रुप आता तो काउंट करो या मत करो एज यू विश ओके। तो 1 पे Cl आ गया तो क्लोरो डायरेक्ट भी ले सकते हो वरना 1 क्लोरो। साइक्लिक के लिए क्या हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बनों का नाम होगा हेक्स और सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होगा बेटा एन हो गया क्लियर। और ये कंडीशन कौन सी रिएक्शन में फॉलो होती है, डार्जन रिएक्शन में फॉलो होती है जिसमें OH ग्रुप जो होता है SOCl2 से रिएक्ट करने के बाद Cl में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में देखो 10.5 का कौन सा पार्ट है बेटा सेकंड पार्ट। इस पार्ट में क्या होगा, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई यहाँ पे तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है उसके जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की रिएक्टिविटी कैसी होती है, हमेशा ज्यादा होती है। अब अल्फा कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अब अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो रिएक्टिव हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एच ओपन कर लेंगे जो CH2 आपको दिख रहा है, अच्छा कर लिया हमने ओपन कर लिया। जैसे हमने एच ओपन करा एनर्जी दे रखी है यहाँ पे तो क्या हुआ एच यहाँ से और बी आर यहाँ से क्या रिमूव हो गया, एच और बी आर रिमूव हो जाता है बेटा, यहाँ से एच बी आर रिमूव हो जाता है क्लियर है। एच यहाँ से बी आर यहाँ से क्या रिमूव होगा, एच बी आर रिमूव हो गया, इस बॉन्ड से आगे क्या ऐड हो जाएगा बी आर आके ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फोकस के साथ, ये हमारे पास रिंग हो गई है बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और क्या अटैच है यहाँ पे NO2 तो यहाँ अटैच हो गया बेटा ओके। और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये CH हो गया, आगे क्या होगा CH3, जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इस बॉन्ड से क्या ऐड हो जाएगा बी आर आके ऐड हो जाएगा क्लियर है तक। अब इसका नाम क्या होगा, नाम और देखिएगा रिएक्टेंट का नाम क्या होगा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बिल्कुल ध्यान से, यानी कि बेटा हमारे पास ये C2H कितने यहाँ पे 2 और 3 कितने हो 5 C2H5 है, और C2H5 क्या होता है इथाइल होता, क्या होता है बच्चों इथाइल होता, तो 1 काउंटिंग कर दो जिस काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो ये रिएक्टिव ग्रुप जो होगा वो नियरेस्ट होगा ओके। तो 1, 2, 3, 4 काउंटिंग उस साइड को मूव करेंगे जिस साइड को ये इथाइल जो आपको दिख रहा है ये नियरेस्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 काउंटिंग किसी भी साइड को आप लोग मूव कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्या होगा 6 हो गया। 4 पर आ गया बेटा C2H5 आ गया तो C2H5 होता है इथाइल तो क्या बन जाएगा 4-ethyl NO2 होगा नाइट्रो, ये होगा बेंजीन तो क्या बन जाएगा 4-ethyl नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन हो गया क्लियर। अब इसका नाम हो देखो काउंटिंग तो बिल्कुल सेम ऐसी ही होगी, देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया बेटा। अब क्या होगा हमारे पास 4 पे तो इथाइल था, क्या था 4 पे इथाइल, इस इथाइल में भी क्या ऐड हो गया आके बी आर ऐड हो गया यानी कि ब्रोम ऐड हो गया। अब काउंटिंग ऐसी होगी 1, 2 बी आर कितने में है 1 पर है तो नाम क्या बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना, 4 पर एक ग्रुप है जिसके 1 पर क्या बेटा 1 पर ब्रोमो, 1 पे क्या आ गया 1 ब्रोमो हो गया और यानी कि 2 कार्बन अटैच साइड में तो क्या हो जाएगा इथाइल, तो 1 ब्रोमो इथाइल दोबारा देखो 4 पे क्या है हमारे पास 2 कार्बन है इथाइल तो है पर 4 पर जो है बेटा इथाइल के साथ 1 पर बी आर के तो 1 ब्रोमो इथाइल हो जाएगा, 4 पर 1 ब्रोमो इथाइल हो गया।
अब इसका नाम क्या, नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रो बेंजीन। ओके बच्चों, चलेगा।